गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा कक्षा 11वीं जीव विज्ञान की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने कोशिका विभाजन क्यों आवश्यक है, कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री, उसमें हमने समसूत्री कोशिका विभाजन का अध्ययन कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, अर्थात जिसमें डॉटर सेल्स में गुणसूत्रों की संख्या हैप्लॉइड रह जाती है और ये मेनली जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन वह विभाजन है जिसमें विभाजन के फलस्वरूप बनी संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पित्र कोशिका की आधी रह जाती है। यह विभाजन केवल द्विगुणित जनन कोशिकाओं में होता है। इस विभाजन में कोशिका दो बार विभाजित होती है, जिसे प्रथम विभाजन न्यूनकारी विभाजन तथा दूसरा विभाजन समसूत्री विभाजन होता है। अर्थात अर्धसूत्री विभाजन को दो भागों में बांटा, पहला प्रथम अर्धसूत्री और दूसरा द्वितीय अर्धसूत्री। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो न्यूनकारी विभाजन, अर्थात इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाएगी, और दूसरा विभाजन जो होगा वो समसूत्री विभाजन होगा। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन स्टेज जो है वो चार है। पहला है प्रथम प्रोफेज, दूसरा प्रथम मेटाफेज, तीसरा प्रथम एनाफेज और चौथा प्रथम टीलोफेज। अर्थात प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज की फर्स्ट फर्स्ट स्टेज इसमें आ जाएंगी। अब इसमें जब इंटरफेज के बाद, जब कोशिका शांति रेस्टिंग पोजिशन के बाद जब वो इस सेल डिविजन साइकिल में प्रवेश करती है, तो अर्धसूत्री विभाजन में जो प्रथम प्रोफेज स्टेज रहती है वो लंबी होती है और इसकी पांच स्टेजेस रहती हैं, और ये पांच स्टेजेस ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम वन बाय वन समझेंगे और इसमें हमने नोट्स बनाए हैं बच्चों, ताकि आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सको। प्रथम प्रोफेज सर्वाधिक लंबी एवं जटिल अवस्था है। पांच अवस्थाओं में है, लेप्टोटीन या तनुपट्ट अवस्था, जाइगोटीन या युग्मपट्ट अवस्था, फिर आती है आपकी पैकेटीन या स्थूलपट्ट अवस्था, डिप्लोटीन या द्विपट्ट अवस्था, और पांचवी होती है डाइकाइनेसिस या पारगतिक्रम। अब हम समझेंगे सबसे पहले लेप्टोटीन को। इस अवस्था में गुणसूत्र लंबे पतले धागों के समान, उस पर छोटी छोटी दानेदार संरचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें क्रोमोमियर्स कहते हैं। पूछा जा सकता है क्रोमोमियर्स किस स्टेज में ज्यादा स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो उत्तर होगा लेप्टोटीन स्टेज में। इसके बाद आता है जाइगोटीन या युग्मपट्ट। इसमें क्या होगा, जितने समजात गुणसूत्र हैं आपस में आकर्षित होकर जोड़े बनाएंगे। इस जोड़े बनाने की क्रिया को सूत्र युग्मन या सिनेप्सिस कहते हैं। इस प्रकार के गुणसूत्रों के जोड़ों को युगली भी कहा जाता है, अर्थात वाइवेलेंट भी कहा जाता है। गुणसूत्रों में अब संघनन कुंडलन प्रारंभ होगा, जिससे गुणसूत्र छोटे एवं मोटे हो जाएंगे। जाइगोटीन के बाद आता है पैकेटीन। पैकेटीन या स्थूलपट्ट अवस्था, इस अवस्था में युगली के प्रत्येक गुणसूत्र लंबवत विभाजन से चार अर्ध गुणसूत्र बनते हैं, इसलिए इस युगली को चतुष्क या टेट्राड भी कहते हैं। इस अवस्था में विनिमय की क्रिया होती है, अर्थात समजात गुणसूत्रों के आपुत्री अर्ध गुणसूत्रों के मध्य खंडों का आदान प्रदान होता है, अर्थात क्रॉसिंग ओवर होती है, और इस स्टेज को हम इसी वीडियो में अंत में देखेंगे। चौथा है डिप्लोटीन या द्विपट्ट अवस्था। आकर्षण बल जो है वो रिपल्सन यानी प्रत्याकर्षण में बदल जाता है। दोनों समजात गुणसूत्र एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। सेंट्रोमियर से प्रारंभ होकर सिरों पर बढ़ती है। जहां पर गुणसूत्र विनिमय हुआ है वहां अभी भी एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। इन स्थानों को काइजमेटा कहते हैं। इस अवस्था के अंतिम चरण में केंद्रक कला और केंद्रिक दोनों विलुप्त होने लगते हैं। फिर आता है डाइकाइनेसिस या पारगतिक्रम। इस अवस्था में जो उपांतिकरण है पूर्ण हो जाता है, केंद्रक कला एवं केंद्रक विलुप्त हो जाता है, तर्कु तंतु बनना स्टार्ट हो जाते हैं। प्रोफेज फर्स्ट के बाद आता है मेटाफेज फर्स्ट या प्रथम मेटाफेज। तर्कु स्पंडल पूर्ण रूप से बन जाता है। युगली गुणसूत्र मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। सेंट्रोमियर विपरीत ध्रुवों के तर्क तंतुओं से जुड़ जाते हैं। गुणसूत्रों में अधिकतम संघनन होने के कारण सबसे छोटे दिखाई देते हैं। फिर आता है प्रथम एनाफेज। इस अवस्था में प्रत्येक युगली के दोनों समजात गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। इस अवस्था में सूत्री विभाजन के समान सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता,
धीरे धीरे संजात गुणसूत्र पृथक होकर विपरीत ध्रुवों पर आ जाते हैं। फिर आता है लास्ट की स्टेज, फर्स्ट में प्रथम टीलोफेज। प्रत्येक ध्रुव के गुणसूत्रों के चारों ओर पुनः केंद्रक कला बन जाती है, केंद्रिका पुनः प्रकट हो जाती है, गुणसूत्र आकुंडलित होकर क्रोमेटिन जाल बना देते हैं। इस प्रकार दो अगुणित संतति केंद्रक बन जाते हैं। प्रथम टीलोफेज के अंत में कोशिका का क्या बटेगा? कोशिका द्रव्य दो भागों में बट जाता है। प्रत्येक भाग में एक आगुणित केंद्रक उपस्थित रहता है। इस क्रिया को कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं, अर्थात अब एक से दो सेल बन गए इसमें। तो यहाँ देखो, यह है लेप्टोटीन स्टेज, यहाँ पे गुणसूत्र पतले और इसमें क्रोमोमियर्स स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बच्चों देखें तो यहाँ बाइवेलेंट स्टेज अर्थात जायगोटीन स्टेज दिखाई दे रही है। पैकेटीन में टेट्राड बन जाते, इस स्टेज में क्रॉसिंग ओवर की अवस्था आती है। डिप्लोटीन में ये पुनः वापस उसमें उसमें जाने लगते हैं। डाइकाइनेसिस में जो फिगर है, एक्रोमेटिक फिगर, वो विपरीत ध्रुवों पे जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने लगेगी, इसकी केंद्रक की जो कला है वो टूटने लगेगी। न्यूक्लियोलस भी क्या हो जाएगा, डिसअपियर यानी लुप्त होने लगता है। मेटाफेज फर्स्ट में यदि हम आते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो तर्कु तंतु विपरीत ध्रुवों में क्रोमोजोम का जाना चालू रहता है। एनाफेज में विपरीत ध्रुवों में पहुंच जाते हैं और टीलोफेज स्टेज में आकर ये गुणसूत्रों के चारों ओर पुनः केंद्रक कला बनने लगती है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगती है। न्यूक्लियोलस फिर से अपियर हो जाता है। उसके बाद कोशिका का साइटोप्लाज्म भी बन जाता है, बट जाता है आपस में और ये एक से दो भागों में बट जाती। अगेन फिर देखें द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन या सम विभाजन। इसमें दो अगुणित कोशिकाएं विभाजित होती हैं, परंतु विभाजन से बनी संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या किसके समान होती है? अपनी पेरेंट कोशिकाओं के समान होती है। मतलब जो दो बनी है सेल्स उनके समान इनके गुणसूत्र होंगे। यह समसूत्री विभाजन के समान होता है। इसे अर्धसूत्री समसूत्रण भी कहते हैं। यह भी निम्न चरणों में पूरा होता है। पहला है द्वितीय प्रोफेज या द्वितीय पूर्वावस्था। इस अवस्था में दोनों आगुणित संतति कोशिकाओं की केंद्रक कला और केंद्रक पुनः विलुप्त हो जाएंगे। प्रत्येक गुणसूत्र पहले ही दो अर्ध गुणसूत्र वाले होते हैं। ये संघनन और कुंडलन होने से और छोटे और मोटे हो जाते हैं। सेंट्रियोल विभाजित होकर विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। फिर आता है अगेन फिर से वैसे ही द्वितीय मेटाफेज या मध्यावस्था। इस अवस्था में तर्कु तंतु बन जाते हैं, गुणसूत्र मध्य रेखा पर विभाजित हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। तीसरा है द्वितीय एनाफेज या द्वितीय पश्चावस्था। इस अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र के सेंट्रोमियर का लंबवत विभाजन होता है, जिससे दोनों अर्ध गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। अब ये संतति गुणसूत्र कहलाते हैं। प्रतिकर्षण बल के कारण तर्क तंतुओं के सिकुड़ने से विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। चौथा फिर से वही स्टेज, द्वितीय टीलोफेज अवस्था या अंत्यावस्था। संतति गुणसूत्रों के विपरीत ध्रुवों पर पहुंचने के बाद उनका आकुंडलन होकर क्रोमेटिन जाल का निर्माण होता है, केंद्रक कला तथा केंद्रक पुनः प्रकट हो जाते हैं और लास्ट में जंतु कोशिका में खाच द्वारा तथा पादप कोशिका में कोशिका पट्टी द्वारा कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन के पूर्णतः समाप्त हो जाने पर चार आगुणित संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। मतलब जो अर्धसूत्री विभाजन है वो दो भागों में, अर्धसूत्री प्रथम अर्धसूत्री द्वितीय। अर्धसूत्री प्रथम में न्यूनकारी विभाजन होता है, अर्धसूत्री द्वितीय में समसूत्री विभाजन की तरह ही पूरा सेल डिवीजन रहता है। इसको हम डायग्राम से समझ लें तो यहाँ पर प्रोफेज सेकंड दिखाई दे रही है, यहाँ पर सेंट्रियल विपरीत ध्रुवों की ओर जा रहा है। मेटाफेज सेकंड में तर्कु तंतुओं का निर्माण हो गया और ये अलाइन में व्यवस्थित हो गए मेटाफेज सेकंड में। एनाफेज सेकंड में क्या हो रहा है देखें, एनाफेज सेकंड में ये विपरीत ध्रुवों पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर केंद्रक कला पुनः आ जाती है और फिर से साइटोप्लाज्म का डिवीजन होकर के हर एक उससे चार हैप्लॉइड सेल हमको प्राप्त हो जाते हैं। एक यहाँ पर भी कलरफुल डायग्राम है, यहाँ पर आप देखिए मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड पूरा कंपैरेटिव बनाया है। और बच्चों इस डायग्राम से आपको पूरा जो अर्धसूत्री विभाजन के जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं, आप चाहें तो पहले ऐसा डायग्राम बनाएं और उसके बाद यहाँ पर जैसे इंग्लिश में लिखा है तो आप हिंदी में अपने हाथों से कोष्टक में ऐसे करके ब्रैकेट्स में इसके मेन मेन पॉइंट्स लिख लें कि तर्क तंतु का निर्माण, ये आपको एज ए होमवर्क कार्य करना है। सबसे पहले आपको ये आ गया आपका मियोसिस फर्स्ट, यहाँ पर प्रोफेज फर्स्ट आ गई जो कि लंबी अवस्था है। प्रोफेज फर्स्ट के बाद मेटाफेज आई, मेटाफेज के बाद एनाफेज स्टेज शो हो रही है,
टीलोफेज में आके पुनः केंद्रक तला और वो केंद्रिका बनने लगती है, और बाद में साइटोकाइनेसिस के द्वारा सेल्स बनती हैं दो। ये दो सेल्स अगेन जा करके मियोसिस सेकंड में अपीयर होती हैं, और वहां पर मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज के बाद अगेन फिर से दो दो सेल बनती हैं। अर्थात हमको एक सेल से कितनी सेल्स मिल रही हैं यहाँ पे लास्ट में, लास्ट में जा करके हमें फोर सेल, फोर हैप्लॉइड सेल्स हमको प्राप्त हो रही हैं। तो ये है बच्चों अर्धसूत्री विभाजन। इसमें अगर हम आगे देखें तो एक था क्रॉसिंग ओवर वाला पैकेटिन स्टेज में। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोजोम है एक और दूसरा ए और बी, मान लीजिए ये ए है और ये बी, तो इसमें बीच में यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है, अर्थात डीएनए के खंडों का आदान प्रदान होता है और नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमोजिस और रिकॉम्बिनेंट अर्थात रिकॉम्बिनेंट पुनर्योजी डीएनए की हमें प्राप्ति होती है। इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन जो है वो जेनेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जनक कोशिकाओं में पाया जाने वाला विभाजन है। तो बच्चों इस डायग्राम को आप बहुत अच्छे से बनाइए, अगर कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।